हेलो बच्चों, देखो देखते ही देखते हमारे अर्लेस किडोंस पर 10 लेक्चर्स हो गए और अर्लेस किडोंस नियर अबाउट हमारा हाफ चैप्टर भी हो गया, बराबर है। और इसमें हम अर्लेस किडोंस की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे और बहुत सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने देखी भी। आज हम ऐसी कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं और जिसमें एक है बच्चों ये गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन। गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन नाम से आपको बच्चों पता चल ही गया होगा कि रिएक्शन गैटरमन और कोच इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर हमें दी। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है बच्चों? फॉर्मुलेशन आपको मालूम है CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं। तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन होती है कि जिसमें हम बेंजीन रिंग पर फॉर्मिल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप क्या करते बच्चों? इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये रिएक्शन दी थी गैटरमन और कोच ने, इसलिए हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन। सो रिमेंबर द रिएक्शन इन विच अ फॉर्मिल ग्रुप अ CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस ऑन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसी होती है। देखिए ये हमारा बेंजीन है बच्चों, ये ठीक है, ये बेंजीन है। यहां पे मैं एक एच दिखाता हूं, तो ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन को हम फॉर्मिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। आप बोलेंगे आपको ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्मिल क्लोराइड जो है बच्चों इट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आप बोलेंगे सर आपने क्यों लिखा इट डज नॉट एग्जिस्ट? हो इसलिए लिखा कि फॉर्मिल क्लोराइड लेके मैं ये रिएक्शन आपको आसानी से समझा सकता हूं, इसलिए। बट एक्चुअल में हम बेंजीन को फॉर्मिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। हम बेंजीन को फॉर्मिल क्लोराइड के साथ एक्चुअल में रिएक्ट ही नहीं करते। हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ये दो गैस के मिक्सचर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। बराबर है, ऐसे समझो कि जैसे CO और HCl ये रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? HCOCl। और फिर क्या होता है ये देखो, ये बॉन्ड्स एटली ब्रेक हो गए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये H और Cl ये कंबाइन होके क्या देते हैं? HCl। और ये जो फॉर्मिलियम आयन है बच्चों HCO पॉजिटिव आयन, ये फॉर्मिलियम आयन अब इस बेंजीन रिंग के नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर ये क्या करेगा? अटैक करेगा और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये बेंजाल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। सो हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस रिएक्शन? बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद द मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। बच्चों हमारे बुक में ये फॉर्मिल क्लोराइड दिया ही नहीं, ये मैंने लिखा है बच्चों आपके लिए सिर्फ इसलिए कि रिएक्शन एक्सप्लेन करना आसान हो जाए, बाकी इसके पीछे और कोई मतलब नहीं दूसरा। आप बेंजीन को ये लिखे बगैर डायरेक्ट CHCl के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड। अब ये AlCl3 का रोल क्या है ये हम देखते हैं। देखो ये CO है बच्चों और ये HCl है और ये AlCl3 है। AlCl3 के प्रेजेंस में बॉन्ड हेडली ब्रेक होता है। आपको मालूम है कि AlCl3 इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेवीज एसिड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने तीन ही बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है। तो ये AlCl4 नेगेटिव आयन होता है तैयार, बाद में ये H पॉजिटिव आयन कार्बन मोनोऑक्साइड पर करता है अटैक और हमें मिलता है ये कि कार्बन के पास एक लोन पेयर होती है जो ये कार्बन प्रोटॉन को देता है। इस प्रोटॉन का इस हाइड्रोजन का तो पहुंचा चला जाता है बच्चों
बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों में, लेकिन लोन पर देने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है? कार्बन पर। और हमें मिलता है ये फॉर्मिलियम आयन। क्या मिलता है हमें बच्चों? ये फॉर्मिलियम आयन। और यही फॉर्मिलियम आयन बाद में प्रोटॉन को क्या करता है रे? रिप्लेस करता है। यही फॉर्मिलियम आयन बाद में प्रोटॉन को क्या करता है? रिप्लेस। और हमें मिलता है बेंजाल्डिहाइड। सो रिमेंबर बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ फॉर्मिल क्लोराइड दैट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस HCl3 to give benzaldehyde. And what is the role of HCl3 here? The main role of HCl3 is to generate this electrophile formylium ion, which then attacks on the कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एंड वी गेट बेंजाल्डिहाइड। तो बच्चों ये रिएक्शन पर बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चों ऐसा रहा कि आपको बेंजीन दिया है और ये CO और HCl है और यहाँ पे HCl3 है और उसने बोला कि व्हाट इज A, बच्चों आपको ध्यान में आना चाहिए कि इट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, इट इज जी के रिएक्शन। और जी के रिएक्शन है और इसमें बेंजीन का होता है फॉर्मुलेशन, बेंजीन रिंग पर आता है फॉर्मिल ग्रुप और हमें क्या मिलता है? बेंजाल्डिहाइड। हमें क्या मिलता है? बेंजाल्डिहाइड। तो ये होगी बच्चों हमारी गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। इस फॉर्मेट में ये रिएक्शन जनरली आती है। तो ये रिएक्शन आप थोड़ी देर देख लो, ये अपनी नोट्स में नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो देख के नोट्स में इंट्रोड्यूस कर डालो आपके, लिखो। तो ये हो गई। अब इससे ज्यादा बच्चों और कोई पूछेगा नहीं आपको। और फॉर्मुलेशन है इसलिए हमने ये मिक्सचर लिया क्योंकि ये फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, एसिड ग्रुप तो करता ही नहीं। तो ये हो गया हमारा गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन के बारे में। चलो अब और एक रिएक्शन देखते हैं बच्चों, और वो रिएक्शन है फ्रीडलक्राफ्ट एसिटिलेशन रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। देखो ये जो आर सीओ ग्रुप है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एसिल ग्रुप, जनरल टर्म है एसिल ग्रुप, ये जनरल वर्ड है। यही आप यहां पे एच रखते हो फॉर्मिल ग्रुप, CH3 रखते हो एसिटिल ग्रुप, C2H5 रखते हो प्रोपियोनिल ग्रुप। तो आज हम देखेंगे बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट एसिटिलेशन रिएक्शन। हम क्या देखते हैं? फ्रीडलक्राफ्ट एसिटिलेशन रिएक्शन। रिएक्शन बहुत ही आसान है। ये देखिए ये हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन को हम रिएक्ट करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस HCl3 कैटालिस्ट। HCl3 का रोल क्या है? CCl बॉन्ड को हाइड्रोजन ब्रेक करना, इधर माइनस इधर प्लस, ये बॉन्ड भी ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस, और फिर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? HCl। ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? HCl। अब बचा ये एसिटिलियम आयन, ये एसिटिलियम आयन का कार्बन इस पर करेगा अटैक और आपको मिलेगा ये एसिटोफिनोन। क्या मिलेगा आपको? ये एसिटोफिनोन इस तरह। So remember, benzene on reacting with acetyl chloride in presence of anhydrous HCl3 catalyst gives acetophenone. And we have introduced acetyl group on the benzene ring. बराबर। यदि आप benzyl chloride लेते हो बच्चों, यदि आप benzyl chloride लेते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा रे? फिर आपको benzophenone मिलेगा, diphenyl ketone benzophenone मिलेगा। फिर इसको हम benzoylation बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइलेशन। सो बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस HCl3 गिव्स बेंजोफिनोन, गिव्स
बेंजोफिनोन। तो बच्चों ये दो रिएक्शंस हो गई, एक हो गई फिडरग्राफ एसिटिलेशन रिएक्शन हो गई, बहुत आसान है, और दूसरी हमने हाथों हाथ देख ली फिडरग्राफ्ट बेंजोइलेशन। अब हम बच्चों देखते हैं तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है और इसका नाम है रोजेनमर्स रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? रोजेनमर्स रिडक्शन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी रोजेनमर्स रिडक्शन रिएक्शन क्या है। नंबर से बच्चों आपको पता चल गया होगा कि ये रिएक्शन हमें रोजेनमर ने दी है और इसमें रिडक्शन होने वाला है। किसका रिडक्शन होने वाला है? लेट अस सी। जैसे आप बेंजोइल क्लोराइड को H2 गैस के साथ पैलाडियम कैटलिस्ट लाइटली पॉइजन बाय BSO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो ये H और Cl निकल जाता है एज HCl और H आता है वहां पे कार्बन पर और आपको मिलता है ये बेंजाल्डेट। आपको ये क्या मिलता है? बेंजाल्डेट। सो रिमेंबर बेंजाल्डेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजोइल क्लोराइड विद H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम कैटालिस्ट स्लाइटली पॉइजन्ड विद BSO4 एंड वी गेट बेंजाल्डेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजेनमर्स रिडक्शन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजेनमर्स रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गई बच्चों इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पे रोजेनमर्स रिडक्शन रिएक्शन भी हो गई। चलो अब बाकी देखते हैं। एक और भी रिएक्शन है जिसमें देखिए ये बेंजीन है और ये कार्बोनिल क्लोराइड है बच्चों। ये रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है NCERT की, लेकिन एक सिंपल सी रिएक्शन है जिससे बेंजोफिनोन तैयार होता है तो इसलिए मैंने ली। तो ये देखो ये बेंजीन को हमने फॉजीन के साथ यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड के साथ क्या किया? रिएक्ट। और जैसे हम ये रिएक्ट करते हैं ये HCl निकल जाता है, ये टॉइस HCl, और आपको क्या मिलता है? ये मिलता है बेंजोफिनोन। क्या मिलता है आपको? ये बेंजोफिनोन। एक और रिएक्शन है कि बेंजोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद कार्बोनिल क्लोराइड दैट इज फॉर्जीन गैस। हालांकि रिएक्शन हमारे बोर्ड सिलेबस में या NCERT सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दिखी तो मैंने आपको बताई, आसान सी रिएक्शन। सो रिमेंबर बेंजोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद कार्बोनिल क्लोराइड दैट इज फॉर्जीन गैस। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो है बच्चों वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम पर्टिकुलर कीटोन्स तैयार करने वाले, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तैयार करते हैं। अब देखते हैं कैसे तैयार करते हैं। तो देखो ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMGX। इसको हम रिएक्ट करते हैं C2Cl2 के साथ, ये R1 लेते हैं इसको। अब रिएक्शन होंगी बच्चों ड्राइथर मीडियम में, बराबर। ये बॉन्ड ब्रेक, ये दो मॉलिक्यूल लो इसके। अब क्या होते हैं देखो, ये दो अल्किल ग्रुप और ये CD, ये कंबाइन होके क्या करते हैं? R1CD। यानी ये आपको क्या मिला रे? डाइल्किल कैडमियम मिला है ना, आपको क्या मिला? डाइल्किल कैडमियम मिला। अब ये दो MGX ग्रुप और दो Cl, ये क्या तैयार करेंगे? ट्वाइस MgxCl। तो दो स्टेप वाली रिएक्शन है जिसमें पहले बार क्या हो गया कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो गया और आपको क्या मिला? आपको मिला डाइल्किल कैडमियम और साथ में क्या मिला? ट्वाइस MgxCl। अब हमें यहाँ पे थोड़ी ठहरना है, हमें तो कीटोन चाहिए। तो क्या करना? अब ये जो डाइल्किल कैडमियम है ना R1/2CD। अब ये डाइल्किल कैडमियम आप लो
और इस डायलकिल कैडमियम को, इस डायलकिल कैडमियम को आप किसके साथ रिएक्ट करो, आप रिएक्ट करो एसिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करो, एसिल क्लोराइड के साथ। अब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये सी डी और ये सी एल, सी डी और ये दो सी एल, सी डी और दो सी एल कंबाइन होके क्या करेंगे, सी डी सी एल टू, ये कंबाइन होके क्या करेंगे, सी डी सी एल टू। अब बचे कौन, दो अल्किल ग्रुप और ये दो एसिल ग्रुप, तो दो एसिल ग्रुप को ये दो अल्किल ग्रुप ज्वाइन होते हैं और हमें ये मिलता है कीटोन। क्या मिला हमें, कीटोन। तो ध्यान रखना बच्चों, ये कीटोन तैयार करने की दो स्टेप वाली रिएक्शन है, जिसमें हम सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है, डायलकिल कैडमियम। बाद में हम इस डायलकिल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सी डी और दो सी एल क्या देते, सी डी सी एल टू, और दो अल्किल ग्रुप आर वन ये आर टू सी ओ ग्रुप को क्या होते हैं, ज्वाइन, और आपको मिलते हैं दो मॉलिक्यूल्स कीटोन के, आर टू सी ओ आर वन के, आर टू सी ओ आर वन के। तो कीटोन में एक अल्किल ग्रुप आर वन कहाँ से आता है, अरे जी आर, और दूसरा अल्किल ग्रुप कहाँ से आता है, अरे एसिल क्लोराइड। कितना आसान। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लो आपने ये लिया मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बच्चों, और आपने इसको कैडमियम क्लोराइड के साथ क्या किया, रिएक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, ये डाई मिथिल कैडमियम मिलेगा। अरे क्या मिलेगा आपको, डाई मिथिल कैडमियम। फिर ये डाई मिथिल कैडमियम आप इसको रिएक्ट करेंगे, समझ लो एसिटिल क्लोराइड के साथ, फॉर्मिल क्लोराइड तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप एसिटिल क्लोराइड लीजिए, तो रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा एसिटो। क्या मिलेगा आपको, एसिटो। कितना आसान है कि मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन रिएक्टिंग विद कैडमियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर फर्स्ट गिव्स डाइमिथिल कैडमियम व्हिच ऑन फाइनली रिएक्टिंग विद एसिल क्लोराइड गिव्स एसिटो। अब समझ लो ये पहली रिएक्शन एज इट इज, समझ लो डाइमिथिल कैडमियम मिल गया, और इस डाइमिथिल कैडमियम को समझ लो मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, इस प्रोपियोनिल क्लोराइड के साथ। प्रोपियोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये इथिल मिथिल कीटोन। मुझे क्या मिलेगा बताओ, ये इथिल मिथिल कीटोन। इतना आसान है बच्चों, ये इतना आसान है। और लास्ट में लेते हैं एक, समझ लो ये रिएक्शन ऐसी की आपने पहली वाली, डायमिथिल कैडमियम मिला, क्या मिला आपको, डायमिथिल कैडमियम मिला आपको, ठीक है। और समझ लो, या एक काम करते हैं, ये इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया, कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, क्या मिला आपको, डाइथिल कैडमियम। डाइथिल कैडमियम को इस प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, डाइथिल कीटोन। आपको बच्चों क्या मिलेगा, डाइथिल कीटोन। तो इतनी सिंपल सी मेथड है। तो बच्चों चार मेथड्स हमारी हो गई, पहली गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन, फिर दूसरी हो गई फ्रेडोग्राफ एसिटिलेशन, फिर तीसरी हो गई रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन, और चौथी हो गई ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। चारों रिएक्शन आसान है बच्चों, और नीट एग्जाम में आए तो शॉर्टकट टेक्निक ध्यान में रखना, बहुत ही फटाफट आप आंसर निकाल सकते। ओके, तो अब हम बच्चों देखते हैं और एक नया टॉपिक कि जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। इस पर भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स के बारे में देखते हैं, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे तो लिखने में समय ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने पहले लिख के रखे ताकि कम समय में ज़्यादा हो जाए। एल्डिहाइड्स क्या है, पॉइंट नंबर ए, फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। यानी बच्चों ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, ये रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। और ये जो 40%, और एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि 40% एक्वस सोल्यूशन
और फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोला जाता है फॉर्मैली, क्या बोला जाता है बच्चों इसको, फॉर्मैलिन, फॉर्मैलिन। और ये फॉर्मैलिन जो है बच्चों, ये जूलॉजी लैब्स में एंड अ मेडिकल फील्ड में इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। रिमेंबर इस पर भी क्वेश्चन आता है, 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मैलिन एंड दिस फॉर्मैलिन इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो चलो दो पॉइंट हो गए कि फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, एंड नंबर टू भी हो गया कि 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मैलिन एंड इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। चलो दूसरा लिखते हैं नंबर बी, नेक्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज आर लिक्विड। फॉर्मल्डिहाइड के आगे 10 मेंबर्स आप देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के आगे तो अगले 10 मेंबर एल्डिहाइड सीरीज के वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और ये बताने की आवश्यक नहीं कि रूम टेम्परेचर पर, जब हम टेम्परेचर मेंशन नहीं करते तब वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर, यानी फॉर्मल्डिहाइड गैस, अगले 10 मेंबर लिक्विड्स। 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मैलिन एंड दिस फॉर्मैलिन इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। अब देखते सी, अब उसके आगे हायर मेंबर जो एल्डिहाइड सीरीज के वो क्या है, सॉलिड, यानी पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड गैस, उसके आगे के 10 मेंबर वो क्या है, लिक्विड, और उसके आगे के मेंबर क्या है, सॉलिड्स। एंड 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मैलिन एंड इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कीटोन्स, नो व्हाट अबाउट कीटोन्स, बघा कीटोन्स आर होलाडाइल लिक्विड्स अप टू 11 कार्बन एटम्स। एसीटोन ये 3 कार्बन वाला कीटोन है जो कि पहला मेंबर है कीटोन फैमिली का, तो एसीटोन से लेके आगे 11 तक कार्बन वाले जो कीटोन्स है बच्चों, एसीटोन से लेके 11 तक कार्बन वाले जो कीटोन्स है वो क्या है, होलाटाइल लिक्विड्स है, जैसा पेट्रोल होता है होलाटाइल वैसे। उसके बाद के जो हायर मेंबर्स है 12 और 12 से ज्यादा कार्बन वाले कीटोन्स वो क्या होते हैं, सॉलिड्स, वो क्या होते हैं, सॉलिड्स। तो ये हो गया बच्चों नेचर के बारे में, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, कितने आसान है, देखो मेरे तो याद भी हो गए कि एट रूम टेम्परेचर फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस, 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मैलिन एंड दिस फॉर्मैलिन इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, फॉर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इन आफ्टर फॉर्मल्डिहाइड द नेक्स्ट 10 मेंबर्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। Among the ketones, ketones containing up to 11 carbon atoms, they are holiday liquids. And the higher members containing 12 and more than 12 carbon atoms, they are solids. अब देखते हैं नंबर दो, color. All aldehydes and ketones are absolutely colorless. All aldehydes and ketones, both are absolutely colorless. किसी भी aldehyde ketone को किसी प्रकार का color नहीं, पानी के जैसे क्या है वो, colorless. Smell. फॉर्मल्डिहाइड इज अ पंजंट स्मेलिंग गैस। फॉर्मल्डिहाइड को पंजंट स्मेल है, पुरानो पंजंट स्मेल म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, पंजंट स्मेल म्हणजे ठसका लागतो असा स्मेल। जसं बघा लहानपणी आता आम्हाला आठवते घरी आहे ना, मिरच्या आणल्या, मिरच्यांचं कांडण चालू असायचं आहे ना खलबत्त्यात किंवा उखडीमध्ये, तर घरी गेल्याबरोबर त्या असं पंजंट स्मेल यायचा त्या चटणीचा आणि ठसका लागायचा, तसा याला पंजंट स्मेल आहे, एकदम शिंकायला लागतात, ठसका लागतो, तसा फॉर्मल्डिहाइडचा जरा तीव्र असा पंजंट स्मेल आहे बोरांनो। लोअर मेंबर्स हॅव अनप्लीजंट स्मेल, फॉर्मल्डिहाइड के आगे कुछ लोअर मेंबर्स है जैसे एसिटाल्डिहाइड प्रोपानाल्डिहाइड, तो उनको अनप्लीजंट स्मेल, लेकिन जो हायर मेंबर्स है उनको कैसा है, स्मेल, प्लीजंट। एंड जैसे जैसे आप हायर मेंबर की तरफ जाएंगे एल्डिहाइड फैमिली के, तो स्मेल कैसे हो जाता है, होते जाता है मोर एंड मोर प्लीजंट। ऑल कीटोन्स हैव प्लीजंट स्मेल, कीटोन्स का एक है शुरू से लेके आखिरी तक हर कीटोन को कैसा स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है। अब देखते हैं नंबर चार, सोलिबिलिटी। अब देखते हैं हम नंबर चार, सोलिबिलिटी, ठीक है। अब ये इतने पॉइंट्स बच्चों आपके अच्छे से हो गए, अब देखते हैं सोलिबिलिटी। चलो पहला पॉइंट, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों, लोअर एल्डिहाइड जो है और लोअर कीटोन जो है,
इनमें कार्बन ग्रुप को जो अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। आपको मालूम है अल्किल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है बच्चों, वो वाटर एडिंग ग्रुप होता है, बराबर है। लेकिन लोअर ऑर्डर कीटोन में ये जो वाटर एडिंग अल्किल ग्रुप रहते हैं ये छोटे रहते हैं, इससे लोअर ऑर्डर कीटोन का वाटर एडिंग नेचर भी कम रहता है। ऐसे लोअर ऑर्डर और कीटोन्स को आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि उनका जो पोलर कार्बन ग्रुप है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है फॉर्म। ये देखो वाटर गैस प्लस डेल्टा CO ग्रुप का O माइनस डेल्टा, ये देखो वाटर गैस प्लस डेल्टा CO ग्रुप का O माइनस डेल्टा। तो आपको समझ में आया होगा कि लोअर एल्डिहाइड और कीटोन में वाटर हेटिंग एल्किल ग्रुप जो होते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन में जो वाटर हेटिंग एल्किल ग्रुप होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उनका वाटर हेटिंग नेचर भी कम होता है। इसलिए जब आप लोअर एल्डिहाइड और कीटोन को पानी में डालेंगे क्या होगा कि उनका जो पोलर कार्बन ग्रुप है वो इजिली पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, और इसलिए ये लोअर एल्डिहाइड और कीटोन पानी में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये बात ध्यान में रखना कि द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फैमिली आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, बट द हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फैमिली आर इनसोल्यूबल इन वाटर एज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। पोरानो जे हायर मेंबर्स आहेत अल्डाइड फॅमिलीचे किटोन फॅमिलीचे, लक्षात ठेवा हायर अल्डाइड हायर किटोन हे पाण्यामध्ये काय आहेत, इनसोल्युबल आहेत। का बरं रे, क्यू की हायर अल्डाइड और किटोन्स में जो कार्बन ग्रुप को अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं वो साइज में रहते हैं बड़े बड़े, उनका वाटर हेटिंग नेचर भी बड़ा रहता है, और वाटर हेटिंग नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर इतना हावी होता है डोमिनेंट हो जाता है कि वो हायर एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ही नहीं कर सकते, और इस तरह ये जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो पानी में क्या होते हैं, इनसोल्युबल। आता नंबर सी बघायचा आहे, काय नंबर सी, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेअरली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्व्हेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल लाइक डिझॉल्व्स लाइक, and ketones they themselves act as good solvents. Aldehydes and ketones, bachcho aapko malum hai ye dono organic compounds hai, to being organic compounds according to the rule like dissolves like they are readily soluble in organic solvents, hai na, jaise hamara kiske sath jamta hai barabar jo hamare jaise nature wala hai, hai na, jaise hushyar mulanna hushyar mulancha company madhe rahayla aavadte, ज्या मुलांना अभ्यास करायचा नसतो त्यांना त्यांच्यासारख्याच अभ्यास न करणाऱ्या मुलांसोबत कंपनी भरी वाटते, लाइक डिझॉल्व्स लाइक। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर रेडली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म बेंजीन अल्कोहल एटसेट्रा। कीटोन्स तो ये खुद ही सॉल्वेंट करके एक्ट होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में एसीटोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखते हैं, इधर आइए, अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स बट लोअर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में पोलर कार्बन ग्रुप है, अब कल्पना कीजिए आपने अल्डेड मॉलिक्यूल्स बल्क में लिए, क्या होगा, एक अल्डेड मॉलिक्यूल का सी प्लस डेल्टा कार्बन ग्रुप का, और दूसरे अल्डेड मॉलिक्यूल का कार्बन ग्रुप का ओ माइनस डेल्टा, एक का सी प्लस डेल्टा दूसरे का ओ माइनस डेल्टा, इनके बीच में क्या डेवलप होगा, डायपोल अट्रैक्शन, एंड वी नो दैट दिस डायपोल अट्रैक्शन विच डेवलप्स इन बिटवीन अल्डेड मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन कीटोन मॉलिक्यूल्स it is stronger than van der waals force of attraction but it is weaker than hydrogen bonding, it is weaker than hydrogen bonding. Aldehyde ketones mein jo dipole dipole attraction develop hota hai ye force due to their polar nature of carbon group, ye dipole dipole attraction force hydrogen bonding se weaker hai, van der waals force of attraction se stronger hai. ab hota kya, dekho ab alcohol aur carboxylic acid inme to rehti hydrogen bonding, unke boiling point rehte high,
और अल्डा कीटोन्स में रहता है वीकर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इसलिए यदि मॉलिकुलर वेट सेम रहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की तुलना में कीटोन और अल्डेड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वो स्ट्रॉन्गर रहती है, वो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा फर्म लो करके रखती है जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। लेकिन अल्डेड और कीटोन लो, इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स रहता है जो वीकर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अल्डाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूज लोड करके रखे जाते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा कम होता है। लेकिन अब अल्डे कीटोन्स को आप कंपेयर करो इथर्स और अल्केन्स के साथ, अब ये नियर अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इथर्स भी स्लाइटली पोलर होते हैं। यदि अल्डे कीटोन इथर और अल्केन का मॉलिक्यूल सेम रहा तो आप देखेंगे कि अल्डेड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, अल्डेड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन और इथर से क्या रहता है? ज्यादा। इसलिए बच्चों मैंने ये ऑर्डर यहां पे लिखी, थोड़ा सा इधर आप थोड़ा सा फोकस करके मैं बताता हूं कि यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम रही तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, उससे कम अल्कोहल, उससे कम कीटोन, उससे कम अल्डिहाइड, उससे कम इथर, उससे कम अल्केन। कभी क्या भी आप देखेंगे इनमें 19-20 के फर्क रहता है, एक आधा डिग्री का, कभी कभी अल्केन का ज्यादा रहता है इथर से। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना कि यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन अल्कोहल, ग्रेटर देन कीटोन, ग्रेटर देन अल्डिहाइड, ग्रेटर देन इथर, ग्रेटर देन अल्केन, प्रोवाइडेड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स आर सिमिलर। चलो आगे जाते हैं। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ईथर और अल्केन की तुलना में अल्डे कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट जो हायर है बच्चों, उसका रीजन है अल्डेस कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो वीकर होता है लेकिन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। इसीलिए अल्डेस कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग उनके इतने मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्केन और इथर से ज्यादा रहते हैं लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। तो ये ऑर्डर बच्चों आपको ध्यान में रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन अल्कोहल, ग्रेटर देन कीटोन, ग्रेटर देन अल्डिहाइड, ग्रेटर देन इथर, ग्रेटर देन अल्केन। तो अल्डे कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो थोड़ा बहुत ज्यादा है उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब देखते हैं बच्चों लास्ट पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी घनता, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने देखा कि अल्डेड और कीटोन्स ये होलाडे लिक्विड्स है बहुत सारे और इनकी डेंसिटी पानी से क्या होती है? कम। जैसे वाटर की डेंसिटी 1 होती है और अल्डे कीटोन्स की डेंसिटी 1 से कम है, पानी से कम है, लेस देन 1। तो बच्चों अल्डेस कीटोन्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतने सारे पॉइंट्स थे, सब पॉइंट्स बहुत ही आसान है बच्चों आपके लिए, बस एक दो बार आप मन लगा के यदि वीडियो लेक्चर सुनते हो ये आपको याद ही हो जाता है, इसके ऊपर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो बुक्स में दिए हुए तो आपको फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना करो। थैंक यू।